डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो एक तरह का दोलित्र यानी ऑसिलेटर है जिसका नाम है कॉलपिट ऑसिलेटर्स। तो इसके अंदर जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो कॉलपिट ऑसिलेटर क्या होता है और इसका सर्किट डायग्राम क्या है और इसका जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है यानी वह आवृत्ति जिस पर ये दोलित्र की तरह काम करेगा वो कैसे डिराइव करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऑसिलेटर जो है बेसिकली इसके बारे में हमारा वीडियो चैनल पे अवेलेबल है जिसका लिंक आपके यहाँ डिस्प्ले हो रहा है तो उसको आप जाके रेफर कर सकते हैं। हार्टली ऑसिलेटर और कॉलपिट ऑसिलेटर, ये दो ऑसिलेटर जो होते हैं ये ट्यून्ड ऑसिलेटर कहलाते हैं। यानी ये वो ऑसिलेटर होता है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर यानी एल और सी के कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है और उस कॉम्बिनेशन में इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में समानांतर होते हैं यानी पैरेलल होते हैं तो उस सर्किट को हम कहते हैं टैंक सर्किट। तो सबसे पहले ऑसिलेटर बनाने के लिए कोई भी डिवाइस ऑसिलेटर की तरह कब काम करेगी, जब वो बारगुसेन क्राइटेरिया को फॉलो करेगी। बारगुसेन क्राइटेरिया क्या कहता है कि ओवरऑल जो फेस शिफ्ट है वो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। अब ओवरऑल फेस शिफ्ट किससे बनता है, एक तो बनता है फॉरवर्ड पाथ से और एक बनता है फीडबैक पाथ से। तो फॉरवर्ड पाथ में अगर 180 डिग्री फेस शिफ्ट देते और फीडबैक पाथ भी 180 डिग्री फेस शिफ्ट देते तो ओवरऑल फेस शिफ्ट कितना हो जाएगा हमारा, 360 डिग्री। तो सबसे पहले एक एलसी ऑसिलेटर है जिसके अंदर दो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और वन इंडक्टिव रिएक्टेंस है। जैसे हार्टले ऑसिलेटर होता है तो हार्टले में पहला लेटर क्या है, एच है। एच जो होता है एक तरह से याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं कि जो इंडक्टेंस होता है उसकी यूनिट होती है हेनरी। तो हेनरी में पहला लेटर भी एच होता है और हार्टले का पहला लेटर भी एच है। तो हार्टले ऑसिलेटर में दो इंडक्टर होते हैं और एक कैपेसिटर होता है और कॉलपिट का पहला लेटर क्या है, सी है यानी कैपेसिटर। तो इसमें दो कैपेसिटर होंगे और एक इंडक्टर होगा। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब इसके अंदर जैसा कि हमने बात की थी कि एक फॉरवर्ड पाथ होगा और एक फीडबैक पाथ होगा, तो फॉरवर्ड पाथ जो है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होगा। जैसे ये ट्रांजिस्टराइज्ड है, इसके अंदर जैसा कि हमने सर्किट हार्टले ऑसिलेटर में बनाया था, एक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है हार्टले ऑसिलेटर का, उसमें और इसमें सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है कि वहां पर यहाँ कैपेसिटर था और यहाँ दो इंडक्टर थे हार्टले के अंदर। कॉलपिट के अंदर यहाँ इंडक्टर लगा देना और यहाँ क्या लगा देना, दो कैपेसिटर। और ये जो लगाना है ये फीडबैक पाथ में लगाना है जो कि हमारा एक तरह से क्या कहलाता है, टैंक सर्किट। और ये भी हमारे कितने डिग्री फेस शिफ्ट देता है, 180 डिग्री। और ये जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यानी जिसके अंदर एमिटर को क्या कर दिया गया है, कॉमन यानी ग्राउंड कर दिया गया है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जब ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है तो वो भी कितने डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, 180 डिग्री का देता है। ठीक है, जैसे कैसे दे सकता है तो हम समझने के लिए जानते हैं कि ट्रांजिस्टर की जो टोटल करंट होती है वो क्या होती है, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अब कॉमन का मतलब क्या होता है, उस टर्म को हम ग्राउंड कर देते हैं। तो ग्राउंड करने का मतलब क्या हुआ कि जो एमिटर करंट है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आई बी प्लस आई सी बराबर क्या रह गया, जीरो। तो आई बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ आई सी। तो माइनस साइन जब भी आता है किन्हीं दो वैल्यू के बीच में तो इसका मतलब क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में यानी कितने डिग्री फेस शिफ्ट देंगे, 180 डिग्री। जैसे अगर कॉमन बेस की बात करें तो आई बी जीरो होगा, आई बी जीरो होने पर क्या बचेगा, आई ई बराबर आई सी यानी दोनों का साइन क्या है, सेम पॉजिटिव है तो वो जीरो डिग्री फेस शिफ्ट देता है। सिमिलरली कॉमन कलेक्टर भी जीरो डिग्री। तो कॉमन एमिटर ही केवल एक ऐसा कॉन्फिगरेशन है जो 180 डिग्री फेस शिफ्ट देता है और उसी का यूज हम एम्पलीफायर जब भी हम बनाते हैं या एम्पलीफिकेशन के लिए या 180 डिग्री फेस शिफ्ट के लिए करते हैं। तो इस सर्किट के अंदर ये जो R1 R2 में नजर आ रहे हैं ये हमारे बाइसिंग रजिस्टर होते हैं, ये जो CC लिख रखा है ये हमारा कपलिंग कैपेसिटर होता है, कपल मतलब जोड़ना। तो ये क्या करता है, एक तो देखो यहाँ से जो फीडबैक से सिग्नल आ रहा है उसको इनपुट से जोड़ रहा है और दूसरा है जो आउटपुट है उसको फीडबैक से जोड़ रहा है। तो यहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर CC1 लिखा हुआ है, यहाँ CC2 लिखा हुआ है। ये हमारा एमिटर रजिस्टेंस है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी चौक है जो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए होती है हमारे पास। और यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा रखा है वो बाईपास कैपेसिटर कहलाता है क्योंकि ये एक और रास्ता यानी एक और पाथ प्रोवाइड करता है सिग्नल को जाने के लिए और कैपेसिटर हम जानते हैं कि DC को ब्लॉक करता है और AC को पास करता है। तो यहाँ पर जो टैंक सर्किट है उसके अंदर एक इंडक्टर और दो क्या है, कैपेसिटर लगे हुए हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि हार्टली ऑसिलेटर बनाना है तो यहाँ एक कैपेसिटर लगा देना और यहाँ दो इंडक्टर लगा देना। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाले कॉलपिट ऑसिलेटर, जो भी ऑसिलेटर हम पढ़ते हैं उसमें फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का जो डेरिवेशन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा टैंक सर्किट है वो हम कंसीडर करते हैं, और दूसरा ये जो हम आपको दो पैरामीटर नजर आ रहे हैं HFEIB और HIE, जो एच पैरामीटर मॉडल से लिए जाते हैं, और ई जो लिखा हुआ है दोनों के अंदर वो कॉमन एमिटर के कारण लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ अगर सी लिखा हुआ तो कॉमन कलेक्टर हो जाएगा, और बी लिखा हुआ तो कॉमन बेस हो जाएगा। तो इसके लिए जो एच पैरामीटर मॉडल है उसका वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके उसको रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो HIE है वो ऑब्वियस है इनपुट साइड का है, और HFEIB है वो आउटपुट साइड का। तो बेस हमारा इनपुट है, एमिटर हमारा ग्राउंड है, और कलेक्टर हमारा आउटपुट है। अब इसके अंदर देखने पर तो हमारे पास कितने नजर आ रहे हैं, तीन लूप नजर आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है। तो करंट सोर्स के पैरेलल में रजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर कुछ भी लगा हुआ हो तो उसको हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं, और वोल्टेज सोर्स के कारण ये जो भी यहाँ रजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर कुछ भी लगा हुआ होता है वो पैरेलल की जगह कहाँ लग जाता है, सीरीज में। और उससे हमारे को क्या फायदा होगा कि अभी हमें तीन लूप नजर आ रहे हैं, उसके बाद क्या बन जाएंगे, दो लूप। तो देखो ये है करंट एक तरह से, और ये मान लेते हैं रेजिस्टेंस। तो V बराबर क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, IR, यानी इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, V बन जाएगा। अब यहाँ पर जब हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या लिख दिया, जैसे मैंने वी नॉट लिख दिया, और ये जो C2 था जो पैरेलल में हुआ करता था करंट सोर्स के, वो वोल्टेज सोर्स के कहाँ जाएगा, सीरीज में। तो जिससे एक लूप तो ये बन गया, एक लूप ये बन गया। अब जब हम वी नॉट की डायरेक्शन देखो, यहाँ ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो ये क्यों है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। जनरली सोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, तो नीचे माइनस आता है और ऊपर प्लस आता है, लेकिन यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है। अब हमारे पास दो लूप हो गए हैं जिनके थ्रू हमें इस डेरिवेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वी नॉट की वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, HFEIB इंटू XC2। अब XC2 क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1/jωC2। टोटल करंट अगर इस सर्किट की बात करें तो टोटल करंट ऑब्वियस है, यहाँ पर अगर हम मार कर दें I, तो ये दोनों हमारे पास कैसे हैं, सीरीज में। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, यानी समांतर में, और आपस में कैसे हो जाएंगे, सीरीज में। यानी इन दोनों को मिला के अगर हम एक रेजिस्टेंस बना देते हैं, मान लेते हैं, तो वो तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो I बराबर हम क्या लिख देंगे, -V0। क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो -V0/XC2+XL, XC2+XL दोनों सीरीज में, प्लस ये दोनों आपस में पैरेलल, यानी XC1 पैरेलल विद HIE। अब XC जब भी आता है XL और XE, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं, XL को अगर होता तो लिखते हैं jωL, और XE को क्या लिखते हैं, 1/jωC। तो हमारा जो नया पैटर्न है वो क्या हो जाएगा कि ये दोनों आपस में कैसे थे, सीरीज में थे, तो 1/jωC2+jωL, S की जगह हम क्या पुट कर देंगे, jω। तो यहाँ हमने S लिख दिया और यहाँ पर भी S लिख दिया, SC2 क्या आ जाएगा, LCM, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो S2LC2/SC2। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, जो दोनों सीरीज में थे। इसी तरह दोनों जो पैरेलल में थे उनका अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में होते हैं, तो R1 × R2 / R1 + R2, इस तरह का पैटर्न हम अप्लाई करते हैं, तो XC1 × HIE / XC1 + HIE। अब XC1 क्या होता है, 1/jωC1, तो 1/jωC1+HIE। सेम चीज हम यहाँ करेंगे, S की जगह क्या पुट कर देंगे, jωमेगा, तो यहाँ पर S आ जाएगा, यहाँ पर भी S आ जाएगा, फिर उसके बाद SC1 क्या आएगा, LCM, LCM आने के बाद क्या होगा कि वो जो टर्म है SC1 HIE के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो LCM आएगा वो आपस में ऊपर वाली टर्म के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, HIE/1+SC1 HIE। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो हम क्या करेंगे, जो हमारा आई का एक्सप्रेशन था ये वाला, उसके अंदर एक सीरीज था और एक पैरेलल था, इन दोनों में वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमने क्या करा, वैल्यू पुट कर दी, -HFEIB/SC2, ठीक है, अपॉन ये सीरीज वाला और ये पैरेलल वाला। अब इन दोनों के अंदर जो है वो भी क्या होगा, देखो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये SC2 क्या आएगा, LCM इसका, और इसका आएगा 1+SC1 HIE। तो ये LCM क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और SC2 HIE के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने लिखा है यहाँ पर, तो SC2 और 1+SC1 HIE, ये इसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया, और SC2 ऊपर वाले पार्ट के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट बचा, ऊपर में ये बचा, और ये जो LCM बचा हुआ है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी न्यूमरेटर के अंदर, अंश के अंदर। तो ये आ गया मल्टीप्लाई में,
अपॉन में ये जो दो हमारे पास फैक्टर यानी गुणनखंड है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 क्या आएगा 1, 1 इंटू एस सी 1 एच आई तो सेम आ जाएगा, एस स्क्वायर एल सी 2 को 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा, एस स्क्वायर एल सी 2 को एस सी 1 एच आई से करेंगे तो एस स्क्वायर इंटू एस एस क्यूब हो जाएगा, बाकी टर्म इंडिविजुअल है तो एल सी 1 सी 2 एच आई और लास्ट में क्या आ जाएगा एच आई एस सी 2। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हाईएस्ट टू लोएस्ट पावर को अरेंज करेंगे, तो सबसे हाईएस्ट पावर नीचे देखो क्या है, एस क्यूब है, उसके बाद एस स्क्वायर है, उसके बाद एस की दो टर्म्स हैं ये और ये, तो इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, एस कॉमन ले सकते हैं और एच आई कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस वन। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे कि हमारे पास जो रिलेशन हमें डिराइव करना है वो हमारा कहाँ पर आएगा, कि हमारी जो एक करंट फ्लो कर रही है बेस करंट आई बी वो कहाँ फ्लो कर रही है, हमारे एच आई के थ्रू, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम लगाएंगे करंट डिवीजन। तो करंट डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो करंट जो होती है वो रेजिस्टेंस के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब हम आई बी जो एच आई के थ्रू निकालना चाह रहे हैं तो इन्वर्सली रिलेशन जो होता है आई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो जिस रेजिस्टेंस में निकालते हैं उसके अपोजिट रेजिस्टेंस को हम ऊपर लिखेंगे, तो ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, यानी एक तरह से क्या है यहाँ पर कैपेसिटेंस है, तो ऊपर क्या आ जाएगा एक्स सी वन, नीचे आता है टोटल, तो टोटल यानी ये दोनों जिसके अंदर करंट डिवाइड हो रही है, यहाँ करंट डिवाइड नहीं हो रही है, यहाँ करंट सेम है आई, करंट डिवाइड कहाँ हुई, इस नोड के बाद हुई, तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस यानी एक तरह से रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे करंट डिवीजन के अंदर, तो इसलिए ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस लिखना है हमेशा, जिस करंट डिवीजन के अंदर जिस ब्रांच के अंदर निकाल रहे हैं उसके अपोजिट ब्रांच जो भी है उसका रेजिस्टेंस ऊपर आएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स सी वन अपॉन टोटल एक्स सी वन प्लस एच आई, फिर से एक्स सी वन की जगह क्या लिख दिया वन अपॉन जे ओमेगा सी वन, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह लिख दिया, जे ओमेगा की जगह फिर से क्या लिख दिया एस लिख दिया, ये आ गया एस सी वन, फिर से नीचे वाले में क्या आ जाएगा एलसीएम, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एस सी वन से एस सी वन क्या हो गया कैंसिल आउट, तो आई बी की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई आई, ऊपर आई बचा और नीचे क्या बचा वन प्लस एस सी वन एच आई। अब हमने जो पिछली वैल्यू डिराइव की है आई की, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है आई का, ये हम आई बी के अंदर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा अब कि आई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एच एफ ई आई बी वन प्लस एस सी वन एच आई, ये तो ऊपर था डिनोमिनेटर में ये पूरा था हमारे पास, इंटू ये तो आई की वैल्यू थी इंटू क्या था वन अपॉन एस सी वन एच आई, तो ये दोनों फैक्टर भी देखो आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट, और आई बी से आई बी भी कैंसिल आउट, इधर बचा वन, बाकी पूरी टर्म एज इट इज है। अब हम क्या करेंगे एस को रिप्लेस करेंगे फिर से, तो एस की जगह जे ओमेगा है तो एस स्क्वायर यानी जे स्क्वायर माइनस वन होता है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और जे क्यूब माइनस जे होता है तो माइनस जे ओमेगा, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे रियल और इमेजनरी यानी वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग अलग करेंगे, तो ऊपर तो हमारे पास एक ही टर्म है माइनस एच एफ ई, नीचे देखो जे जिसमें लिखा हुआ है वो काल्पनिक यानी इमेजनरी टर्म है और जिसमें जे नहीं है वो रियल टर्म है, तो वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी टू ये तो हमारा हो जाएगा रियल टर्म, और ये दोनों क्या है हमारी इमेजनरी टर्म है, तो इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है जे ओमेगा और एच आई जो कि हम बाद में ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा अभी हमने जे ओमेगा लिया है तो एच आई, यहाँ क्या बचा पहले हमने प्लस वाले को लिखा फिर माइनस वाले को, तो एच आई ब्रैकेट सी वन प्लस सी टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी वन सी टू एच आई। अब यहाँ तक आने के बाद में जब भी पैटर्न फॉलो करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि इमेजनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग जो कि हमें आंसर देता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है क्या, अगर दोनों में होता है तो उस केस के अंदर हम परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन करते हैं, और अगर केवल एक ही जगह यानी या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में केवल एक ही जगह काल्पनिक भाग यानी इमेजनरी टर्म अवेलेबल है तब हमें रेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमने हार्टली ऑसिलेटर में देखा था तो हार्टली में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इमेजनरी टर्म आती है, तो इसलिए वहां रेशनलाइजेशन करके एक टर्म को एलिमिनेट कर दिया जाता है, लेकिन अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ऊपर तो रियल टर्म है और इमेजनरी टर्म केवल कहाँ पर है डिनोमिनेटर में है, तो इसके अंदर कोई भी रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण की जरूरत नहीं है, केवल हमें क्या करना है जो भी इस जे का कोफिशियंट है यहां से यहां तक उसको इक्वल टू जीरो कर देना है, तो हमने क्या किया पूरे जे इक्वल टू पार्ट को जो कोफिशियंट था उसको इक्वल टू जीरो कर दिया, अब ओमेगा तो जीरो होगा नहीं, फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो वो तो डीसी कहलाता है एक तरह से, तो जीरो कौन होगा ब्रैकेट वाला टर्म, फिर से दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं एच आई, एच आई हम जानते हैं कि इनपुट इम्पिडेंस होता है वो भी जीरो नहीं होगा, तो फिर कौन जीरो होगा ये वाली टर्म जीरो होगी, तो इसमें माइनस वाले को उधर भेज देना,
तो क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू बराबर ओमेगा स्क्वायर एल सी वन सी टू। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, सी वन प्लस सी टू अपन एल इंटू सी वन सी टू। सी वन प्लस सी टू को नीचे भेज दिया हमने, तो ऐसे इस तरह से नजर आएगा वन अपॉन एल सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। इसको मान लेंगे हम सी इक्वलेंट, ठीक है। तो हमारे पास ओमेगा क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी इक्वलेंट। अब ओमेगा खुद क्या होता है हम जानते हैं, टू पाई एफ, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल इंटू सी इक्वलेंट। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कॉलपिट ऑसिलेटर के लिए डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि हमने हार्टले में देखा था, हमारा रिजल्ट क्या आता है, वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल इक्वलेंट इंटू सी। एल इक्वलेंट वहां पर क्या होता है, एल वन प्लस एल टू, और यहाँ क्या आता है, एल इंटू सी इक्वलेंट, या सी इक्वलेंट होता है सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। तो इस तरह से हम कॉलपिट ऑसिलेटर के लिए यानी कॉलपिट दोलित्र के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और उसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।